मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। जी हाँ मित्रों, प्रस्तुत है गीतों भरी दास्ता अमरावती के मकानों की। आदि मानव ने शरीर रक्षा के लिए गुफाओं का आश्रय लिया, पेड़ों की खोहों का आश्रय लिया। जो जो विकास के गति होती गई, त्यों त्यों झोपड़ियां और कच्चे मकान दारे सरा में यानि राजमहलों में तब्दील होने लगे। उनकी बनावटों से सहज ही पता लग सकता है कि ये कौन से साल में बने होंगे, किस सदी में बने होंगे। अमरावती में आज भी 100-200 साल पुराने मकानों का अस्तित्व कायम है, जो आज भले ही अपनी बुलंदियों को खो चुके हैं, किंतु अपने जमाने के मशहूर और मारूफ निर्माण। ये कहते हैं, खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। ये पूर्व प्रसिद्ध मकान और भवन भले ही निर्जीव दिखाई देते हो, किंतु हम उनसे आत्मिक संवाद स्थापित कर सकते हैं। कुछ अच्छी हालत में है तो कुछ अपनी बिगड़ी हालत पर चार चार आंसू बहा रहे हैं। हमारी कैमरा टीम ने जब उन्हें अपने कैमरे में कैद किया तो हमारी आत्मीयता देखकर वह सहसा हमसे बोल उठे और शाश्वत सत्य को बयां करते हुए उन्होंने कहा, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, रहते थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं, उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह। कारण आज हमारा निर्माण जर्जर हो चुका है। हमारे मालिकों ने, आकाओं ने, कुटुंब परिवार कबीलों ने हम में आश्रय लिया, पनाह लिया, लेकिन अब वो सभी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मेरे हालात, मेरे निर्माण पहले जैसे मजबूत नहीं है, लेकिन अरे लेकिन कभी कभी तो मैंने परसों परस तक अपने मालिकों को, अपने आकाओं को निवास का आनंद, उनकी रक्षा की, धूप से, बारिश से, ठंड से उनको बचाए रखा। उनके सुख दुख में मैं सदा शामिल रहा। मेरी जर्जर हालत से तरस खाकर शायद वो मुझे बेचने का कल्पना करेंगे और बेच भी देंगे, या फिर मेरी जगह पर ही नया भवन निर्मित करेंगे। उस समय मेरे दिल की हालत क्या होगी? जलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा, लुटेगा घर तो फिर इस घर के मेहमानों का क्या होगा। मैं अपने स्वामियों से, मालिकों से, आकाओं से यह कहना चाहूंगा कि आपकी अनेक पुश्तों ने मुझ में पनाह ली है, उसे याद रखते हुए, उसका स्मरण करते हुए
के संग स्नेह का बंधन रहा है, ऋणानुबंध रहा है, बरसों बरस का साथ रहा है, ममत्व रहा है, प्यार रहा है, एक अफेक्शन रहा है मेरे साथ, उसे आप भूला नहीं देना, जे भूला नहीं देना, जमाना खराब है, भूला नहीं देना, जे दवा नहीं देना। मैं जानता हूं बुढ़ापे ने मेरी कमर तोड़ के रख दी है, मेरा रंग रूप छीन लिया है, मेरा वो नजारा छीन लिया है जो देखने कभी लोग हाजिर हुआ करते थे, तारीफ करते थे मेरी। आज मेरे अस्थि पंजरों को नया जीवन दान देते, नए रूप में परिवर्तित करके मुझे चाहने वाले शहर में अब भी मौजूद है। बड़े शहरों में मेरे अस्थि पंजरों की बड़ी मांग है, वे मेरे अवयवों को नया रूप और पुराना लुक देकर प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं। तब हम सभी आपको हमारी यादों को अपने दिल में संजोने का आग्रह करते हैं और हम कहते हैं आपसे, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी। जी हाँ, मुझे चाहने वालों, मुझे समझने वालों, हसरत भरी निगाहों से देखने वालों, हम जानते हैं, हमें इल्म है इस बात का कि मेरे चाहने वालों, हम मूक साक्षी हैं अमरावती के इतिहास के, हम हकदार हैं सम्मान के। ये सब कहते हुए पुराने मकानों ने, भवनों ने अपनी आंखें नम कर ली। निश्चय रूप से इन पुरानी चीजों के लिए हमारी भी आंखें नम हुई है और ये देखते सुनते आपकी भी हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो दर्शकों, कैसे लगी गीतों भरी दास्तां मकानों की, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का, फोन का। हमें जरूर सूचित कीजिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा।